हेलो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो मेरा वोटर आईडी कार्ड है जो कि मैंने अप्लाई दिया था। और अप्लाई दिया था कब, जब बोलते तो इलेक्शन जब हुआ था ना, तो उसके बाद ही बाद मैंने अप्लाई दिया था। ठीक है, तो मुझे लगा शायद नहीं आएगा क्योंकि इसमें बोलते तो अप्लाई करने में मैंने थोड़ा सा भी कुछ भी बाई मिस्टेक हो जाए तो वो रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो मुझे लगा शायद रिजेक्ट हो गया होगा क्योंकि उससे पहले मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया था। कॉल किया तो मेरे पास बोलते ये नंबर मुझे याद नहीं था। ठीक है, याद नहीं था, प्लस थोड़ा प्रॉब्लम हुआ जिसकी वजह से मुझे ये नंबर मैं निकाल नहीं पाया। ठीक है, जो फॉर्म रेफर नंबर है ना, जैसे कि 0QD8942663768 है। ठीक है, तो ये नंबर मैं निकाल नहीं पाया। तो मैंने जब कस्टमर केयर को कॉल किया, दिया है 1950 दिया। ठीक है, उसे मैंने कॉल किया तो उन्होंने मुझे नंबर मांगा, तो मेरे पास नंबर नहीं था। बोले कि सॉरी, हम बोलते मदद नहीं कर सकते, अब कलेक्टर ऑफिस में यानी कि जहाँ पर आपका बोलते वोट का, जहाँ पर वोटर आई डी कार्ड का जहाँ पर ये होता है, वहाँ पर आप जाकर बात कीजिए, उन्होंने मुझे बोला। ठीक है, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं बोला मेरा शायद रिजेक्ट हो गया होगा। तो अभी देख रहा हूँ तो सरप्राइज़ हो गया, बोल तो 4-5 दिन पहले ही आया है, बोल तो मुझे रिसीव हुआ। ठीक है, तो थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हो गया, तो चलिए इसको खोल कर देखते हैं क्या कैसा होता है। और जिन लोगों को अप्लाई करना नहीं मालूम यानी किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, तो ज़रूर कॉमेंट करना, मैं वीडियो बना दूँगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। आप लोग देख सकते हो इस तरीके का होता है। ठीक है, वाटरप्रूफ होता है। तो मैंने अप्लाई दिया था, हो गया, चलो अच्छी बात है, यहाँ पे दिया है, उसके बारे में सब दिया है। ठीक है, पढ़ सकते हो। सब लोग देख सकते हो इस तरीके का दिया है इसमें कागज। योर वोट योर राइट, यहाँ पर राइट सब दिया है। ठीक है, चलिए फिर इस तरीके का होता है। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।